हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे जैसी आलू की सब्जी। और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज हम बढ़िया सी बनाएंगे भंडारे की सब्जी घर पर ही। चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉईल आलू ले लिए हैं, मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। यहाँ पे टमाटर हैं, टमाटर मैंने 4 ले लिए हैं जो चॉप करके रख लिए हैं। ये मसाला है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच, हल्दी पाउडर है आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, और ये है हरी मिर्च 2 जो मैंने चॉप करके रखी थी, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये तेज पत्ता है जो मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने मसाला लिया था उसको हम पानी डाल के मिला लेंगे, इसको रख देंगे घोल के थोड़ी देर। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पतला मसाला हो जाएगा तो ये फिर मसाले में अच्छे सा स्वाद नहीं रहेगा, इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही घोलना है। इस तरीके से अगर आप भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने पहले से रख दिया था। चलिए देखिए गरम हो चुका है ये। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, इस भंडारे वाली सब्जी को आप किसी के भी संग खा सकते हैं, रोटी के संग, पूरी के संग, पराठे के संग, जिसके संग चाहें आप खा सकते हैं। यहाँ पे जीरा कड़क चुका है हमारा। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं नहीं भुनना, ये हमारा मसाला है। देखिए मैंने गाढ़ा ही घोरा था, अब इसको इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें जो लगा था मसाला पानी डाल के डाल दिया है। अब मसाले को हम थोड़ा सा भुनने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ते। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने लाल मिर्च काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, अब इसी में हम डाल देंगे तेज पत्ते। तेज पत्ते हम इसलिए अभी डाल रहे हैं, तेल में हम डायरेक्ट डालते हैं तो वो जल जाते हैं, इसलिए मैं मसाले में डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए मसाला भुन चुका है, तेल भी हमारा ऊपर आ चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब देखिए मसाला भुन चुका है, अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को चलाते हुए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे ये टमाटर जो है हमारा पानी छोड़ देंगे, तो इसमें हमें भुनने में सहायता हो जाएगी। टमाटर में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें आप। इसको हम चला दें और थोड़ी देर, ज़्यादा टमाटरों को नहीं भूनना है, थोड़ी देर पकने देंगे टमाटरों को, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए टमाटर हमने ज़्यादा नहीं भुने हैं, हल्के से ही पकाए हैं। अब इसमें जो मैं आलू थे उसको मिश करके इस तरीके से हम हाथों से फोड़ फोड़ के इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से ही डालना है, हमने काटे नहीं हैं आलूओं को, इस तरीके से हाथों से फोड़ के हमने इसको इसमें डालना है। अब इसको हमें सब्जी को अच्छे से चला देनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस अब थोड़ा सा इसको हम चलाएंगे और इसको अब हम पकने देंगे। ये देखिए सब्जी में खदक आ चुकी है, लेकिन सब्जी हमारी अभी पकी नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और चला देंगे, और इसको हम सब्जी को घोटेंगे। सब्जी के घोटने पे ही ये भंडारे वाली सब्जी जैसी इसमें टेस्टर आएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। ये सब्जी को हम जब तक खदकाएंगे जब तक कि अच्छे से मिल नहीं जाती। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको मैंने अभी इसे ही निकाल ली है, आप चाहें तो इसको खदका लें। मैंने इसको खूब खदका ली है अच्छे से, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए हमारी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, बढ़िया सी। अगर आप सभी को मेरी ये भंडारे वाली सब्जी का
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।